हेलो गाइस, वेलकम टू सागर रोबोटिक्स। आपने तो यार इस तरीके का जो 100 वाट का बल्ब होता है इसका यूज करके स्मार्टफोन प्रोजेक्टर बना के जो भी वीडियो दिखाते हैं वो तो देखा ही होगा। मतलब इस बल्ब का यूज करके काफी अच्छा स्मार्टफोन प्रोजेक्टर बनाया जाता है, लेकिन इस बल्ब को लेंस में कैसे बदला जाए इसका फुल प्रोसेस आपको शायद किसी ने दिखाया होगा, मतलब किसी ने भी इतना डिटेल में नहीं दिखाया होगा। उतना मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि ये जो अंदर फिलामेंट है, ये पीछे का जो सेक्शन है, इसको कैसे निकालना है, इसके अंदर कैसे पानी भरना है, इसको कैसे सील करना है, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस तरीके का एक खराब बल्ब ले लेना है। लेकिन यहाँ पे मुझे खराब नहीं मिला, इसलिए मैं अच्छा बल्ब यूज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इसका जो फिलामेंट है वो जब टूट जाता है तो ये बल्ब जल जाता है, किसी काम का नहीं रहता। लेकिन मेरा जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट है वो सही है, मेरा बल्ब अच्छा है फिलहाल। लेकिन चलो इसी के साथ हम यहाँ पे इसका लेंस बनाते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला, क्योंकि अगर आप थोड़ा सी भी गलती कर देते हो इस तरीके से, अगर आप इसको रखते हो और पीछे का टूटने जाओगे तो ग्लास भी टूट जाएगा और पूरा बल्ब यहाँ पे आपका डैमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्लास को थोड़ा सा ऊपर की साइड में रखना है और जो हमारा पीछे का सेक्शन है जहाँ पे हमें इसका जो तोड़ना है उसी को आपको पत्थर के ऊपर रखना है और हल्का हल्का यहाँ पर पीटना है। ज़्यादा जोर से आपको इसको नहीं पीटना है। तो इस तरीके से आपको इसको हल्का हल्का पीछे की साइड से पीटना है और इस तरीके से आप इसको हल्का हल्का पीटोगे तो आप देख सकते हो कि जो पीछे की साइड में लगा हुआ ब्लैक कलर का ग्लास है या फिर चीनी मिट्टी है तो इसके बाहर आ रहा है। तो आपको ऐसे ही पीटना है। अगर आप किसी और तरीके से इसको तोड़ने की कोशिश करते हो तो जो आगे वाला ग्लास है वो टूट जाता है। तो मैंने भी काफ़ी सारी बार इसको ट्राई किया, मतलब काफ़ी मेरे जो बल्ब है वो यहाँ पे इसके अंदर वेस्ट हो गए। तो मैंने ये एक बेस्ट तरीका निकाला, इसलिए आपको सोचा कि दिखा दूँ कि इसको किस तरीके से हमें निकालना है और इसके अंदर कैसे पानी भर के इसको लेंस में बदलना है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर आप देख सकते हो कि इस तरीके की ये जो ट्यूब है ये अभी भी कनेक्टेड है, मतलब अगर इन दो तारों पर अगर हम सप्लाई देते हैं तो ये बल्ब अभी भी जलेगा। लेकिन हमें ये जो अंदर का सेक्शन है इसको पूरा निकाल देना है। तो ये अब इसके अंदर आप देख सकते हो, तो सबसे पहले जो ट्यूब है उसको आपको इस तरीके की कोई भी एक प्लायर लेनी है और उसको लीकेज कर देना है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर ट्यूब तोड़ते समय ग्लास टूट गया तो हमारे हाथ में इंजुरी हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा सेफ्टी का ख्याल रखना है। इस तरीके से आपको इसको कपड़े के अंदर पकड़ लेना है और उसके बाद आपको इसके अंदर का जो ट्यूब है उसको तोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको इसको प्लायर के द्वारा तोड़ देना है। थोड़ा ये मजबूत होता है लेकिन एक बार तो देखो इस तरीके से ये यहाँ पर टूट चुका है। अब इसके अंदर की जो गैस है वो निकल चुकी है। अब इसके अंदर का जो सेक्शन है उसको हमें तोड़ना है। तो इस तरीके से आपको स्क्रू ड्राइवर से इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से करना है। अगर आप जोर से करते हो तो जो आगे का ग्लास है वो भी टूट सकता है, इसलिए आपको काफ़ी सावधानपूर्वक ध्यान से इसको इस तरीके से तोड़ना है। तो अब जो अंदर का जो भी कुछ लगा हुआ था तो वो सब कुछ टूट चुका है, आप देख सकते हो। तो अब सिर्फ इसको हमें बाहर निकालना है। तो इसको बाहर निकालने के लिए इस तरीके से आपको इसके अंदर कोई चिमटी या फिर प्लायर को डालना है और इस तरीके से पीछे की साइड से खींच लेना है। तो आपको ये सब कुछ प्रोसेस जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक काफ़ी धीरे धीरे करना है, वरना जो ग्लास है उसका बल्ब है वो टूट सकता है और ये किसी भी हमारे काम का नहीं रहेगा। तो अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर छेद हो चुका है और ये पूरा, तो ये आप देख सकते हो ये जो फिलामेंट होता है यही जलता है। ये अभी टूटा, इसको मैंने जब निकाला तब ये सही था, आपने भी देखा था यही टंगस्टन का होता है। तो अब ये जो बल्ब है इसी का हमें काम है। तो अब इसके अंदर सिंपली हमें जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर होता है, टैप वाटर होता है, कोई भी पानी आप इसके अंदर भर सकते हो, बस वो क्लियर होना चाहिए, मतलब गंदा नहीं होना चाहिए वरना वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर जो है पानी को भर देना है। तो आपको पानी को कितना भरना है मैं इसको भर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। तो देखो इस तरीके से इसके अंदर हमने पानी को भर दिया है। तो जहाँ तक हमारा ग्लास था उस लेवल तक आपको इसके अंदर पानी भर देना है। अगर आप ज़्यादा पानी भरते हो तो ऊपर से लीक हो सकता है, तो इतना ही आपको पानी भरना है और ऊपर से इसको सील कर देना है। तो सील करने के लिए आप एम सील तो यहाँ पर नहीं लगा सकते, तो इस तरीके का प्लास्टिक का जो बोतल कैप होता है उसको भी आप लगा सकते हो। लेकिन हम इसके अंदर भरेंगे तो यहाँ पे हम जो है कैंडल ले लेते हैं, क्योंकि जो वैक्स होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैक्स को, मतलब कैंडल को जला लेते हैं और इसका जो वैक्स है उसको इसके अंदर डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम इसका जो वैक्स है उसको इसके ऊपर डालते हैं, तो ये पानी के ऊपर तैरता तैरता जो हमारा पीछे का कैप है उसको पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। तो देखो गाइज ये जो पीछे का हमारा कैप था
उसको मैंने पूरी तरीके से जो हमारा वैक्स था, कैंडल का वैक्स था, उसके जरिए यहाँ पर मैंने पैक कर दिया है। तो अब ये थोड़ा गीला है तो इसको सूखने देते हैं। तो देखो अब ये सूख चुका है और यहाँ से एक बूंद भी पानी नहीं लीकेज होने वाला। और हमारा जो लेंस है वो देखो कितना क्लियर, कितना HD क्वालिटी का हमें दिखा रहा है। तो देखो मेरी जो हाथ है उसको भी ये कितना बड़ा कर दे रहा है। अब ये जो पाउच है इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो इसको भी देखते हैं कि ये जूम कर पाता है, बड़ा कर पाता है या नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टर के अंदर अगर ये जूम करेगा तभी वर्क करेगा। तो देखो ये काफ़ी अच्छे से इसको जूम कर पा रहा है जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको, और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर काफ़ी क्लियरली दिखा रहा है। तो मतलब इसका हम प्रोजेक्टर तो बना सकते हैं, तो इसका हम प्रोजेक्टर बनाएंगे जरूर किसी आने वाले वीडियोस के अंदर। मैं आपको इसका यूज करके प्रोजेक्टर बना के दिखाऊंगा। तो अब और टेस्ट इसका कि ये जो है इसका फोकल पॉइंट सही से आता है या नहीं, मतलब ये हीट होता है या नहीं। तो देखो मैंने सूरज के अंदर माचिस की जो तिल्ली है उसको इसके सामने रखा, तो ये जो है माचिस की तिल्ली को जला पाता है कि नहीं ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसके अंदर रखा तो देखो हल्का हल्का इसके अंदर धुआं भी आ गया और जो माचिस की तिल्ली है वो भी जल चुकी है। मतलब ये जो लेंस है हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, इसका फोकल पॉइंट भी बन रहा है और काफ़ी हीट भी हो रहा है और क्लियर है ये लेंस। मतलब प्रोजेक्टर के अंदर हम इसको 100% यूज कर सकते हैं, जो भी हमने देखा है वो सही है। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको इसका फुल प्रोसेस दिखाया कि आपको ग्लास को किस तरीके से, मतलब बल्ब का जो पीछे का सेक्शन है उसको तोड़ना है, किस तरीके से यहाँ पे इसको ब्लॉक करना है। तो अब जो एक बार लास्टली हम इसके साथ पेपर जो है उसको भी पकड़ के देखते हैं कि पेपर से धुआं आता है या नहीं, मतलब कितना हीट हो रहा है। तो देखो जो पेपर है उसमें से भी यहाँ पर हल्का हल्का धुआं आना शुरू हो चुका है, मतलब हमारा जो लेंस है वो तो परफेक्टली वर्क कर ही रहा है। तो अब इसका यूज करके हम प्रोजेक्टर जरूर बनाएंगे। तो गाइस आपको ये जो लेंस वाली वीडियो है ये मैंने फुल डिटेल के अंदर आपको समझाई, तो ये कैसी लगी मुझे कॉमेंट में बताना। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।